हम पढ़ने जा रहे हैं दुष्यंत कुमार की। इस गजल में आजादी के बाद की जो स्थिति है, मतलब आजादी से पहले हम सब लोग ये समझा करते थे कि बस आजादी आ जाए सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब हम आजाद भी हो गए, समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रही, समस्याओं का समाधान तो हुआ नहीं। कहा भी है दुष्यंत कुमार ने कि कहां तो तहता चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं पूरे शहर के लिए। कहा तो यह तय किया था हमने कि हर घर का, हर व्यक्ति का, हर नगर का, हर गांव का विकास कर देंगे, और कहा ये देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक चिराग नहीं है, कहीं उन्नति नहीं है। तो इसी तरीके का हमारा मोह भंग हो गया था आजादी के बाद। हम सोच रहे थे हम अब अपनी सरकार आ गई है, अब अपनी सरकार हमारी चिंता करेगी और हमारे सारे दुखों को, हमारे कष्टों को, सारे हमारे अभावों को दूर कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समस्या तो वहीं की वहीं बनी रही, बस इतना अंतर हुआ कि पहले गोरे रंग के शासक हुआ करते थे, अब काले रंग के शासक होने लगे। पहले पराये हुआ करते थे, अब अपने ही अपना शोषण कर रहे थे। तो उन्होंने लिखा है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, यानी कि मतलब हम लोग थोड़े दूरदर्शी हैं ही नहीं, दूर की चीज सोचते ही नहीं है। मालूम है आपको मार्च में एग्जाम आने वाले हैं, फिर भी अभी देखना बैठोगे, उठाओगे वीडियो, जाना क्या क्या देखो, मगर पढ़ाई नहीं करोगे। बाढ़ की संभावना है सामने, मालूम है 3 मार्च से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जागरूक नहीं। नदियों के किनारे घर बने हुए, फिर भी अपना मोबाइल लेकर और बस ये मूवी देख लो, ये कर लो, ये कर लो, दूर का देखते ही नहीं है, दूर का सोचते ही नहीं है। ये हम सब लोगों की बड़ी गंदी आदत है कि बाढ़ की संभावना है सामने, मालूम है कि हाँ समस्याएं आने वाली हैं, तो भी उसको टालते रहेंगे, कल देखेंगे, अभी आई थोड़ी है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, टालते रहते हैं चीजों को टालते रहते हैं। तो कोई मतलब ये इसका मैं शब्दार्थ भी आपको बता दूं, हम सबको मालूम है कि बरसात के दिनों में नदियों में पानी ज्यादा आ जाता है और बाढ़ आ जाती है, फिर भी लोग नदी के किनारे अपना मकान बना लेते हैं, क्यों? और फिर जब बह जाते हैं तब रोते हैं कि बह गए। समस्या मालूम है ये आने वाली है, लेकिन उन समस्याओं का समय रहते हम समाधान नहीं करते। तो बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हुए हैं। अरे जब संभावनाएं सामने हैं तो नदियों के किनारे घर नहीं बनाने चाहिए, अर्थात जब समस्याएं आने वाली हैं भविष्य को देखकर अपने वर्तमान की प्लानिंग करें, क्योंकि हमारा जो वर्तमान है उसी पर ही हमारा फ्यूचर डिपेंडेंट है। आज आपका जो वर्तमान है वो आपके अतीत पर डिपेंडेंट है, आज जो आप करोगे वो फ्यूचर में भुगतोगे। तो यदि संभावनाएं दिख रही हैं आपको, भविष्य को तोलिए, मोलिए, उसको जांचिए और उसके हिसाब से वर्तमान में काम कीजिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम कर रहे हैं। हमें मालूम है ये समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन जैसे वो होती है ना कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती रहती है, मुझे दिख थोड़ी रहा है, दिख रहा है कोई डंडा लेके आ रहा है, आंख बंद कर ली उसने, अब मैं दूध, मैंने आंख बंद कर ली, मुझे नहीं दिख रही, मतलब किसी को नहीं दिख रहा होगा, ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा होता है क्या? तो संभावनाओं पर नजर रखिए, और जो व्यक्ति संभावनाओं पर नजर रखता है कि क्या होने वाला है, वो व्यक्ति ही सफल हो जाता है। देखिए आज क्या है संभावना है, ऑनलाइन एजुकेशन का स्कोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि आज आप टेक्निकली साउंड नहीं होंगे तो आप मुख्य धारा से हट जाएंगे। देखिए अब विज्ञान का युग आ गया है, आपको वैज्ञानिक एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। आज भी यदि आप पुरानी बातों से चिपके रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो संभावनाएं देखिए, क्या संभावनाएं हैं फ्यूचर में, उसके हिसाब से वर्तमान में अपनी योजनाएं बनाइए। आगे क्या कह रहा है, कभी चीड़वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्त के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़वन में आंधियों की बात मत कर, चीड़ के जो पेड़ होते हैं ना, वहां जब भयंकर आंधियां चलती हैं तो वो चीड़ के पेड़ आपस में ही टकराते हैं और गिर जाते हैं, और टूट के तने उनके नीचे गिर जाते हैं, ये उनमें आग लग जाती है और जंगल पूरा स्वाहा हो जाता है। वो कहते हैं इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं, ये जो लोग हैं ना ये बहुत नाजुक हैं, इसलिए यहाँ पर चीड़ के वनों की बात नहीं करो, ये इनमें मजबूती नहीं है, इनमें वो आत्मविश्वास नहीं है। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। वो कहते हैं कि जो लोगों के भाव हैं, जो लोगों के विचार हैं, वो उस तरीके से नहीं टूटे हुए हैं, मतलब दिखाया ज्यादा जा रहा है, दिखाया बहुत जा रहा है कि आदमी निराश है, आदमी परेशान है, आदमी दुखी है, पर वास्तव में वो इंसान इतना दुखी नहीं है। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं, प्रतिबिंब ज्यादा भयंकर है, वास्तविकता उतनी भयंकर नहीं है।
आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हुए। अब बहुत से जो लोग हैं वो क्या अपने उन्नति की, अपने सुख की बातें दुनिया को बताना चाह रहे हैं, कभी को बताना चाह रहे हैं, कभी कह रहे हैं तुम्हारा सुख, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी सफलताएं मैं कभी और देखूंगा। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, मैं पहले उनकी चिंता कर लूं तब तुम्हारी सफलताओं की बात करूंगा। इस बात को उन्होंने कैसे समझाया कि आपके कालीन देखेंगे किसी और दिन, मतलब आपके घर में बड़े बहुत आपका घर है वो सारी सुविधाओं से सुसज्जित है, आपके घर में बड़े अच्छे अच्छे कारपेट लगे हुए हैं, हमारे पैर तो अभी कीचड़ से सने हुए हैं, यदि हम आपके घर में आएंगे तो आपका जो कारपेट है, आपका जो कालीन है, गलीचा है, वो कीचड़ से सन जाएगा। पहले हम भी अपनी उन्नति कर लें, जब हम भी आपके बराबर हो जाएंगे तो हम भी आपके घर आएंगे, तब हम भी आपसे बराबरी कर पाएंगे। अभी हम पिछड़े हुए हैं, हम आपसे अभी बराबरी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुंझुने हैं। आम आदमी पर व्यंग किया गया है कि जो आम आदमी है ना उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है, उसका अपना कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, उसका अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। कांग्रेस वाले आते हैं वो बजा जाते हैं, भाजपा ऐसे भाजपा ऐसे भाजपा ऐसे भाजपा ऐसे, भाजपा वाले आए वो बदल जाते हैं, कांग्रेस ऐसी कांग्रेस ऐसी कांग्रेस ऐसी, और हम बदल जाते हैं। आपने वो देखी थी ना उसकी धूमिल की एक कविता पढ़ी थी आपने प्रौढ़ शिक्षा, उसमें भी तो यही था कि आप ना गीली मिट्टी की तरह इंसानों के हाथों के खिलौने बन गए हैं, वो चाहे जिस तरीके से आपको बदल देते हैं। तो वही है कि हम आदमी नहीं झुंझुने हैं, हर कोई आकर हमसे अपना मतलब निकाल के चल देता है, हमको बजाता है और हमसे अपना मतलब निकाल के चल देता है। तो जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, ये नेताओं पर व्यंग किया गया है कि नेता जब अपने राजनीतिक सभा और राजनीतिक रैलियां करते हैं तो वो आम आदमी को कितना उल्लू बनाते हैं, किस तरीके से उनको बरगलाते हैं, किस तरीके से उनको झूठे झूठे सपने दिखाते हैं, उन्हें सब्ज बाग दिखाते हैं, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि ये आदमी थोड़ी हैं, झुंझुने हैं, अर्थात इनके अंदर कोई विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम जैसे चाहेंगे ये वैसे ही हमारे हमारे पीछे पीछे या हमारी हाँ में हाँ मिलाते चले जाएंगे। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊँगे हुए हैं अनमने हैं। और दुष्यंत कुमार इस शेर में अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि अब कोई तड़पती हुई गजल सुनाए, अर्थात कोई हमको जागरूक करे, कोई क्रांति का बिगुल बजा दे, कोई हमारे संघर्ष का नेतृत्व कर ले, कोई शोषण के विरुद्ध आवाज उठा ले, कोई अत्याचार का विरोध कर ले, हम सफर ऊँगे हुए हैं अनमने हैं। हमारे साथ के जो व्यक्ति हैं ना वो ऊँगे हुए हैं, अर्थात वो उदासीन हैं, वो जागकर भी सो रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक नहीं है, अनमने से हैं, उनके ऊपर जैसा हो रहा है वो वैसी स्थिति में रहना चाहते हैं। कहते हैं जय ही विद राखे राम ते ही विद रहिए, उनकी वो भावना है। तो उनकी उस भावना को खत्म करने के लिए कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति, कैसा कवि ऐसी तान सुना दे, कोई ऐसी गजल सुना दे कि लोगों के मन में जागरूकता की भावना आ जाए। वो एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, अर्थात कोई मोटिवेशन, कोई प्रेरणा, कोई उद्देश्य होना बहुत ही जरूरी है, तब हमारे भारत के लोग, हमारे साथी लोग थोड़ा जागेंगे। अपने आप इनमें स्व जागरण नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, ये सेल्फ मोटिवेटेड लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें जगाना पड़ता है, और वो जगाने के लिए किसी को तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। तो कवि ने यहाँ पर यही प्रेरणा दी है कि कोई इस तरीके की गजल गा दे, कोई इस तरीके की प्रेरणा दे दे, गजल गाने का मतलब क्या है, कोई प्रेरणा दे दे, कोई इस तरीके का नेतृत्व प्रदान कर दे कि जनता अपने दुखों को अपने कष्टों को दूर करने के लिए लालायित हो जाए, उसमें जागरूकता आ जाए और वो विद्रोह और करे शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध क्रांति कर दे। ठीक है, अब बताइए क्या बेटा समझ आया?